2022 के श्री तुलसी जन्मोत्सव में पधारे सभी वरिष्ठ वक्ता कथा गायकों जिन्होंने राम कथा के लिए या कृष्ण कथा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। मैं आप सबका पूज्य बापू की ओर से कैलाश गुरुकुल की इस रमणीय परिसर में माँ शारदा के अंक में और जगतगुरु आदि शंकराचार्य संवाद गृह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंगल करनी मंगल करनी कलिमल हरनि मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की तुलसी कथा रघुनाथ की मंगल आ कांड जीवन को सुंदर बनाने के सूत्र देता है। तो सबसे पहला ही सूत्र सुंदरकांड का है शांतम। पहला शब्द है, हम लोग हमेशा कहते हैं जीवन उसी का सुंदर है जो शांत रहता है। आप क्या करेंगे, हड़बड़ी करके क्रोध करके क्या कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शांत रहने का अभ्यास करना चाहिए जीव को। और हम लोग ऐसे जीव हैं कि छोटी छोटी बातों पर उखड़ जाते हैं। बापू भगवान की आरती उतारनी हो और माचिस नहीं मिले तो आदमी को गुस्सा आ जाता है वहीं खड़े खड़े, और 10 बातें सुना देता है। अक्ल नहीं है, कहाँ रखते हो, समझ में नहीं आता है, मिली नहीं
अब अरे भाई यही कही होगी, मिल जाएगी, अभी आ रही है। तो शांत किसी भी परिस्थिति में, बापू अपना एक संस्मरण बताते हैं कि एक बार नदी में भंवर आ गया और सब हो लोग हवाताव में मच गए, बापू शांत बैठे थे। तो दूसरे दिन अखबार में आया कि देखो इतना कुछ हो गया, तो बापू बिल्कुल शांत बैठे थे। तो बापू ने वक्तव्य दिया उस समय कि मैं करता भी क्या उस समय। तो धैर्य, शांत रहने का अभ्यास, और इसी से मिलता जुलता एक श्लोक आप सब जानते हैं, शांताकारम भुजग शयनम। भगवान शेष नाग की सैया पर लेटे हैं, सो रहे हैं, और फिर भी शांत है भगवान, और हम छोटी मोटी परिस्थितियों में अशांत हो जाते हैं। तो पहला सूत्र है शांत रहने का अभ्यास करना चाहिए जीव ने। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाए। लक्ष्मण जी जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, वो भगवान के पास आते हैं, विनय करते हैं, प्रभु मैं भी साथ चलना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, भवन भरत रिपु सूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज जो हमेशा शेषावतार की तरह साथ में रहते हैं, विनय को स्वीकार नहीं करते हैं, तो मैं प्रभु को कहना पड़ता है कि जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ, तब मैं आपको साथ में लेकर के चल सकता हूँ। लक्ष्मण जी महाराज व्याकुल बदन से कंपनेतन पुलक सनीरा, देह गेह सबतन तिन तोरे, माता के पास जाते हैं। माता से कहते हैं, माँ मैं भैया के साथ बन जाना चाहता हूँ। सुमित्रा माँ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, तुम्हारी माँ तो कोई और है। लक्ष्मण जी बोले, महाराज कौन है मेरी माँ? मैं तो, आपने मुझे जन्म दिया, मैं तो आपको अपनी माँ समझता हूं। सुमित्रा जी ने कहा, नहीं, तात तुम्हारी माँ तू बहदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी माता तो जानकी हैं और पिता राम हैं, मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, तो माँ आप क्या हो? बेटा, विधाता ने मुझे तुम्हें केवल गर्भ में धारण करने के लिए बनाया था, लेकिन असली माँ तो तुम्हारी वही है, और तुम जहां रहोगे, जहाँ राम रहेंगे वहीं तुम साथ रहोगे। मेरा जन्म था, मेरा काम था तुम्हें जन्म देने का, मैंने जन्म दे दिया, अब तुम्हारे माता पिता वही हैं, तुम उनके साथ जाओ। भगवान की भक्ति करना श्रेष्ठ है, भगवान के पीछे नहीं भागना चाहिए, भागना है तो करना है तो भक्ति करिए, क्योंकि भक्ति के बंधन में बंध करके भगवान भक्तों को पीछे पीछे आते हैं। हम ऐसा क्या करें कि भगवान मुझे स्वीकार करें? और उस लायक तो है नहीं, लेकिन जो भगवान को प्रिय हो वही करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। वो भागीरथी गंगा को तो राजा दिलीप लाए थे, लेकिन ये भागीरथी गंगा पूज बापू के समक्ष हम सबको प्राप्त हो रही है। इसमें गोता लगाने से तो व्यक्ति तर जाता है, उस गंगा में गोता लगाने से तो न जाने कहाँ चले जाएंगे, लेकिन इस ज्ञान यज्ञ में गोता अगर लगाएंगे तो ठाकुर के चरणों की प्राप्ति होगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। वहां मैं जोड़िए, मैं आपको बाबा गोस्वामी ने नहीं जोड़ा, लेकिन वहां जोड़िए कि मैं जानता हूं कि प्रेम से हरि प्रकट हो सकता है।
भगवान रोने से भी प्रकट होता है, भगवान क्रोध में चिल्लाने से भी प्रकट होता है। भगवान को जैसे आप बुलाओ, अपने आराधना को सिद्ध कर लो, आपके सिद्धता से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कहा प्रेम शब्द इतना गंभीर शब्द है, मत पूछिए, ये दुनिया पागल खाना है। लोग कहते तो हैं, लेकिन बात भी सत्य है, लेकिन पागल बन करके तो देखो। कहा ये दुनिया पागल खाना है, कोई पागल है चतुराई का। जहां पर रघुस्वामी जी ने चतुराई शब्द की व्याख्या की है, ध्यान रखना, यहां बड़ा विचित्र स्थिति है। कहा यहां जिस पागलपन शब्द का चर्चा है, आप दुनिया वालों को कितना तुम बेवकूफ बना सकते हो, बाबा जी के कह रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो गोस्वामी जी ये क्यों कहते कि मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, अब भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई तो छोड़नी पड़ेगी। बाबा जी ने बड़ा सुंदर दर्शन दिया। कहा ये दुनिया पागल खाना है, कोई पागल है चतुराई का, कोई धन दौलत का पागल है, आ कोई पागल है प्रभुताई का, कोई रूप रंग का पागल है, कोई रूप रंग का पागल है, आ कोई पागल है कविताई का, पर सबसे सुंदर वो पागल है। अरे सबसे सुंदर वो पागल है, जो पागल है रघुराई का, जो पागल है रघुराई का। चाहे वो आपको ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे भक्ति हो, चाहे विवेक हो, ये सब प्रयास से नहीं मिलता प्रभु। यदि प्रयास से मिल जाए तो प्रयास तो सब कर ही लेते हैं, लेकिन ये ऐसे दुर्लभ तत्व हैं, ऐसे तथ्य हैं कि ये महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो बस संतों के पास में, महापुरुषों के पास में जब भी हम जाएं, तो मेरा अपना भाव है कि वहाँ पर हमको यही भेंट करना चाहिए, यही थोड़ा दर्शन कराना चाहिए कि हमने जीवन में भाव को पाया कि नहीं पाया। तो भगवान आए, सबरी माँ ने उनको कहा कि राम आप आते पता नहीं, शायद नहीं भी आते, लेकिन आप तो इसलिए आए हैं क्योंकि आपको रावण का वध करना था। तो ये तो एक बात है ही, पर सभी लोग, सभी भक्त जानते हैं कि भगवान जो है ना, वो भ्रकुटी बिलास सृष्टि ले हुई, उनको आने की आवश्यकता नहीं होती, पर वो आते क्यों हैं कि सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान तो केवल अपने भक्तों के लिए इस धरती पर आया करते हैं, तो इसलिए भगवान पधारे हैं, एक कारण ये है। दूसरा ये है, बाबा तुलसीदास जी महाराज ने खुद ही लिख दिया है कि ताही देई गति राम उदारा, अशबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान इसलिए आए हैं क्योंकि वो बहुत उदार हैं, इसलिए आए हैं। पिछली बार मैं आया था 2019 में, मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता था कि बापू जी अपने पास में पकड़ कर बैठा करके झूला पर झुलाएंगे। मैं जानता हूँ जितने महापुरुषों को अवार्ड मिला, चाहे वाल्मीकि अवार्ड मिला, चाहे तुलसी अवार्ड मिला, चाहे व्यास अवार्ड मिला, हमारे बराबर किसी को अवार्ड नहीं मिला। आज केवट और राम ने क्या कहा वो मुझे नहीं सुनाना, सुनाना केवल ये है प्यारे कि जिस गंगा के पावन पुलिन पर खड़े होकर के भगवान श्री राम केवट से नौका की याचना कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको समझाना भी नहीं है। जो गंगा है, ये गंगा जी कहाँ से आई है, भूगोल के किसी पंडित से पूछोगे तो कुछ स्थल बताएगा, गंगोत्री से निकली जमुना जी, जमुनोत्री से निकली नर्मदा, अमरकंटक से निकली सरजू, मान सरोवर से निकली। लेकिन याद रखना, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, हमारे यहाँ आध्यात्मिक जगत में रहने वालों को मालूम है, गंगा प्रभु के पादार बिंद के नखमल चंद्रिका से निकली है प्यारे। गति कूरे
कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की प्रभु सुजस प्रभु सुजस संगति बनीति भली होई सुजन मन भावनी होई सुजन मन भावनी मंगल करनी कलिमल हरे। मानसकार ने कहा कि परमात्मा के सुंदर स्वरूप रूपी अगाध जल में कौन सुखी हो, वो कौन सी मछली मेरे पास है। तो कहा बिलोचन मीनन को जल है, परमात्मा के सुंदर स्वरूप रूपी अगाध जल में ये नेत्र रूपी मछलियां आनंदित हों, इसके लिए ये नेत्र दिया। रामचरितमानस तो यही कहती है, बोले मज्जन फल पेखिए तत्काला, तुरंत काक हो ही पिक बकहू मराला। कौआ यानी कर्कश, कठोरपन कालापन, और कोयल यानी मधुर मीठी वाणी। क्या हम कौआ से कोयल बन पाए? तो तुलसी जयंती पे ये महोत्सव राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारू। मंदाकिनी जी अनवरत चित्रकूट में बहा करती। तुलसी बाबा ने गाया, बापू तो बहुत बढ़िया गाते, इतना बढ़िया गाते हैं, कहीं सर्दी कहीं गर्मी, ये सब कुदरत के नज़ारे हैं, इन्हें भी प्यास लगती है जो दरिया के किनारे हैं। बापू को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है, लड़कपन सबको मिलती है, जवानी कुछ को मिलती है, बुढ़ापा एक ऐसी हस्ती है जो बड़े किस्मत से मिलती है, बड़े किस्मत से मिलती है। हम लोग एक राजस्थान के संत थे बड़े प्रसिद्ध, उन्होंने कहा कि के मजाल होवे जो जीव राम नाम लेवे, के मजाल होवे जो जीव राम नाम लेवे, और पाप मारे थाप की, पाप मारे थाप की तो मुंडो फेर लेवे। अर्थात यह जीव जो है भगवान के नाम रूप रस का स्वाद लेने में भी जो है यह जीव कठिनाई महसूस करता है। कहते हैं जीवन में जब वसंत आती है तो प्रकृति बदल जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति बदल जाती है। तो बहुत सुंदर हमारे श्री महाराज जी संत में कहते हैं, साधु से होई न कारज हानि। तो सा शब्द जो है शास्त्र का बड़ा अद्भुत है। सा से संसार, सा से सृष्टि, सा से सृजन करने वाले ब्रह्म, सा से शक्ति, सा से श्रीप, सा से साधु, सा से संत, सा से समागम, सा से सात, सासी जितना भी व्याख्यान करूं कम। सासी श्रावण का ये महीना, सासी श्रवण भगवान की कथा, और मैं जितना भी कहूं वो कम है। एक प्रसंग आपको स्मरण दिलाऊं, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी सुखेन वैद्य को लेकर आए, और सुखेन वैद्य से कहा गया लक्ष्मण का इलाज करिए, सुखेन वैद्य ने साफ मना कर दिया। पूछा गया, क्यों आप इलाज नहीं करेंगे? सुखेन वैद्य ने कहा, हाँ मैं इलाज नहीं करूँगा। वजह कारण प्रभु ने पूछा, सुखेन वैद्य ने कहा कि मैं वैद्य हूँ रावण के घर का, कि मैं वैद्य हूँ रावण के घर का, किस तरह से आपका कार्य करो अनुचित होगा यदि वैर के बड़े भैया को आराम करूं। मैं वैद्य हूं रावण के घर का, मैं रावण के घर का रहने वाला वैद्य हूं, वहां का जल अनुग्रह करता हूं,
तो जहाँ का खाता हूँ फिर वहाँ की थाली में छेद तो नहीं कर सकता। यदि आपके भाई लक्ष्मण का इलाज करूँगा प्रभु तो ये अधर्म कहलाएगा, क्योंकि आप हमारे स्वामी रावण के शत्रु हो राघव सरकार। लेकिन अब सुखेन वैद्य ने बात बदल दी। सुखेन वैद्य हैं बड़े चतुर चालाक। सुखेन वैद्य ने कहा, प्रभु जी मैं इस कार्य को भी कर सकता हूँ, ये कार्य तो अधर्म कहलाएगा, लेकिन इस कार्य को भी कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है? सुखेन वैद्य ने सुनाया कि जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो कैसे यहाँ कार्य किया जाए, यदि राम आज्ञा दे दे तो ऐसा भी अधर्म किया जाए। इस कार्य में तो प्रत्यक्ष बुराई छुपा है प्रभु, आपके भाई का यदि इलाज करूँगा लेकिन इस अधर्म कार्य को करने के लिए भी मैं तैयार हो जाऊँगा, बस सामने से हे राघव सरकार आप मुझे आदेश कर दो। ये जानते हुए भी कि कार्य अधर्म कहलाएगा, उसके बावजूद भी यदि आप मुझे आदेश कर दो तो यह अधर्म कार्य करने के लिए भी मैं तैयार हो सकता हूं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध कर धाई, तो एक ही बाण प्राण हरि लीने, दिन जानते ही निज गति। पाठांतर है, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दिन जानते ही निज पद दीना। राम कथा गायक अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में को ना तुलत है, तुलसी की तुलना में को ना तुलत है। कहाय राजकुमारी ओय सिखावन सुन हो, ओ आन भांति जन जियक छुगुन हो। बोले आपन मोर अनीक जो चह हो, तो बचन हमार मानी गृह रहो। भगवान श्री राम जी ने कहा, सीता अगर मेरा और अपना हित चाहती हो तो तुम घर पर रहो। मैया सीता जी ने कहा, प्रभु मैं भी तो घर पर रहना चाहती हूँ, मैं भी घर पर रहना चाहती हूँ, लेकिन पहले ये तो फाइनल कर लीजिए कि घर है कहाँ। भगवान श्री राम जी ने कहा, ये अयोध्या का महल घर नहीं है। मैया सीता जी ने कहा कि आपके कहने से नहीं होगा, ये तो बाबा से पूछो कि घर की घर है क्या। और जब गोस्वामी जी बाबा से पूछा गया तो गोस्वामी जी ने बताया, बोले घर मसान परिजन जन भोता, असुत हित मीत मन हो जम दोता। तुलसी जयंती में तो जहां की ललामती, तुलसी जयंती में तो झांकी ललाम जी, संतों को नर हरि दास करता प्रणाम जी, संतों को नर हरि दास करता प्रणाम जी। अरे सखी देखो ना बापू की कथा में क्या होता है। अंतिम कड़ी सुनिए, अंतिम शब्द है, जैसे बापू ने कहा था कलेजा काढ़ के ये सब होता है, ऐसे ही संपूर्ण हृदय न्योछावर है। अरे सखी देखो ना नीरछीर बिल गावे, अरे सखी देखो ना नीरछीर बिल गावे, पयदधि तक्र जथा। अरे सखी देखो ना नीरछीर बिल गावे, पयदधि तक्र जथा। अरे सखी देखो ना नीरछीर बिल गावे, तक्र जथा। अरे सखी देखो ना।
गीतावली में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चारों तरफ से घेर लेते हैं मृगों को और कहते हैं प्रभु बाण चलाइए, एक भी मृग भागेंगे नहीं, हम लोग तैनात हैं। भगवान राम ने धनुष पर बाण का संधान किया, लेकिन मृगों को देखकर प्रभु ने बाण की दिशा मोड़ दी। भगवान ने धनुष बाण रख दिया प्रभु, और जो ही तुलसीदास प्रभु बानन मोचत, जो ही भगवान ने धनुष बाण रखा, कुल किरातों ने कहा प्रभु आप तो किसी मृगों के ऊपर बाण चला ही नहीं सकते। बाबा तुलसी ने मानस में सुंदरकांड में एक चौपाई बड़ी सुंदर लिखा, सुंदरकांड में सुंदर चौपाई कि कहनुआ विपति प्रभु सोई अजब तब सुमीरण भगतीन होई। वारी बाबा की तुलसी की महाकाव्य की रचना जो बाबा तुलसी ने इतने सुंदर ढंगों से अक्षरों को सजाया है। मां रत्नावली ने कह दिया ना, अगर आधी रात को मेरी तरफ न भागते, काम के होते गुलाम नहीं, जग में रह के बड़े काम के होते। और ये दुर्घटना घटी, बाबा ने संसार से उस पार जाने के लिए एक सेतु सा बना दिया, एक पुल का निर्माण कर दिया, और गंगा गंगा में केवल एक रस की प्राप्ति होती है, लेकिन राम कथा में नौ रस की प्राप्ति है। और महापुरुष कहते हैं कि जो झुकता है उसमें जान होती है, जो झुकता है उसमें जान होती है, और अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। और भैया ये झुकने की कला कैसे आएगी? बोलिए झुकने की कला तो दो की शरण में जाने पर आएगी, या तो भगवंत के शरण में जाने पर आएगी या संतों के चरणों की शरण में जाने पर आएगी। घाट पर आवा अनाव मांगिया बचन सुनावा। जैसे तैसे करके नाव में बैठाया गया, और जब नाव में बैठाया गया तो कहे वो गंगा। सोचिए पहले के जमाने में जब बाप भाई अपनी बेटी के घर जाते थे तो बेटियां पैर को पकड़ करके रोया करती थीं, आज वही गंगा कहे गंगा कौन है? कहे प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी अताते प्रभु दुहिता सन जानी अकन्या जानी लांघन नहीं चाहा अधरम अधूरी न चरित अवगाहा अलोक धर्म पालक भगवाना अमागी नावन केवट आना। लेकिन क्या बात है, आज इतने लाख बरस बीतने के बाद भी दुनिया जब माला उठाती है तो श्री राम के ही गले में क्यों डालती है, रावण के गले में क्यों नहीं डालती है? रावण धनवान भी है, रावण बलवान भी है, रावण बुद्धिमान भी है, फिर भी
इतने लंबे अरसे बीतने के बाद भी दुनिया जब माला उठाती है तो रावण के गले में क्यों नहीं डालती, राम जी के ही गले में क्यों डालती है? बस इसी पर अल्प समय तक हम आप दृष्टिपात करें। शक्ति दोनों के पास है, पर दोनों की शक्तियों में अंतर क्या है? दोनों की शक्तियों में अंतर है साहब, श्री राम की शक्ति सील और नियंत्रण में, सील और मर्यादा के नियंत्रण में है, और रावण की शक्ति सील और मर्यादा से कोसों दूर है। ये तुलसी बाबा ने भी हनुमान बाहुक में कहा है, तेरे बल बानर जिताए रन रावण, सो तेरे घाले जातु धन भये घर घर के, और तेरे बल राम राज किए सब सुर काज, और सकल समाज साज साजे रघुबर के, तेरो गुण गान सुनी गिर बान पुलकत, और सजल बिलोचन बिरंची हरि हर के, और तुलसी के माथे पर हाथ फेरो किस नाथ, देखिए न दुखी दास तोसे कनिगर के। बापू एक बात मैं कहूं, मैंने अभी तक प्रभाव देखा था, अभी तक प्रभाव देखा था, आज स्वभाव देख लिया, स्वभाव। और क्या कहूं बापू, बस प्रिय बापू आई लव यू, लव यू। जो शब्द पढ़ाता है वो प्राध्यापक है, जो तत्वमसी जैसा वाक्य पढ़ाता है वो गुरु है, जो विवेक को जागृत कर देता है वो सदगुरु है, किंतु जो रोम रोम में राम को बैठा देता है वही तुलसी जैसा संत है, वही तुलसी जैसा संत है, वही तुलसी जैसा संत है। किसी किसान ने कान पकड़ करके कहना चाहा, तो कान पकड़ना तो दूर रहा, भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित होकर ठिठक गया उस किसान ने, चरवाहे की गायों ने जिसका नुकसान किया है, उत्तर देना शुरू किया, बोले नंद का चरवाहा नहीं, नहीं तेरा चरवाहा, सारे संसार की ही पशुता चराता हूँ, नंद का चरवाहा नहीं, नहीं तेरा चरवाहा, सारे संसार की ही पशुता चराता हूँ, कोई बुलाया नहीं, कहीं से मैं आया नहीं, अपनी इच्छा से मैं स्वयं चला आता हूँ, गायें सब मेरी हैं, मैं नहीं गैयन का, बीज से पीपल जो बड़ा बन जाता हूँ, खाता हूँ भाव और पीता हूँ अहंकार, मुरली बजाकर मैं सृष्टि को नचाता हूँ। हमारे दो महान ग्रंथ हैं रामचरितमानस और श्रीमद्भागवत, और दोनों के वक्ता पक्षी हैं, रामचरितमानस का कौवा और श्रीमद्भागवत का शुक तोता, दोनों पक्षी हैं। और सीधा सा अभिप्राय है क्या, बोले जीवन में अगर मधुरता लानी हो तो आपको पक्षपात सीखना चाहिए। भव अंग भूति मसान की सुमीरत सुहावन पावनी, भव अंग भूति मसान सुमिरत सुहावनी पावनी, सुमिरत सुहावनी पावनी, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी कलिमल हरनी, मंगल करनी मंगल करनी मंगल करनी। भजन करने से कहीं ना कोई दोष शायद आ जावे, संतों की ही वाणी से सुना हुआ है, पर सत्संग करने से भजन सेवा करने से भजन भी हो जाएगा और सेवा भी हो जाएगी, यही भाव है। एक बात और कहूँ, अनंत श्री संपन्न
रामानंद परंपरा से ही राम स्नेही परंपरा निकली है, जो वर्तमान में राजस्थान में जिनकी मुख्य गादी विराजमान है, जिनके मुख्य आचार्य अनंत श्री संपन्न श्री हरिरामदास जी महाराज हुए हैं, उनका एक दोहा है, जन हरिया सतगुरु मिलिया जिना कही एक बात, जन हरिया सतगुरु मिलिया जिना कही एक बात, संगत कर लो साधु की राम भजो दिन रात। बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, यही तन कर फल विषयन भाई अस्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। बाबा तुलसी के गुण गाए सारी दुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। बाबा तुलसी के गुण गाए सारी दुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। मोसे कूर कायर कुपूत कौड़ी आध के, किए बहुमोल तें करैया गीध श्राद्ध के। मैं तो सब चीज में केवल राम जी की कृपा मानता हूं, और राम जी को अगर साक्षात देखना हो तो यह रामचरितमानस रखा है, यह साक्षात रामचरितमानस। श्रावण शुक्ला सप्तमी शनिवार सायं माहुलसी के हृदयाकाश से एक दिव्य महापुरुष का जन्म होता है, जो जन्मते ही राम बोल देता है और संसार उसका परित्याग कर देता है। महापुरुषों ने तो कहा बनने की क्या जरूरत है, भक्त बना जाए, दास बना जाए, संत बना जाए, क्या बनाया जाए और क्या बने। निवेदन करूं, महापुरुषों ने कहा भैया कुछ बनो ना बनो, लेकिन अच्छे दंपति बन जाना, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम फलम कृष्ण भक्ति प्रजायते। ऐसे के यहां बाबा ने जब जन्म लिया, राम बोलने की सजा मिली कि निकाल दिया। मैं निवेदन करूं, संत कहते हैं भक्ति के पथ पर जो पांव रखता है, चरण रखता है, उसका ये संसार नहीं, देवता भी उसका कहीं ना कहीं देवता भी घातक बन जाते हैं सब। भरत जी ने कहा कि गुरु पितु मात स्वामी हित बानी, अभी नहीं विचार करिए भल जानी, उचित की अनुचित किए विचारू ओ धर्म जाय सिर पात कभारू, यद्यपि हो समुझत हूनी के। लेकिन चौथा प्रमाण कहा स्वस्थ च प्रिय महात्मना, आपकी आज्ञा मेरे लिए प्रिय नहीं है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। विनम्रता पूर्वक कह दिया कि यद्यपि हो जानत हूनी के, तदपि होत परितोषन जी के। कहा फिर, कहा आपने कहा कि मानह मोर बचन हित जानी, और मेरा हित कहाँ है। कहा हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरिलीन मातु कुटिलाई, इसलिए होत प्रात चली हूँ प्रभु पाही, मैं भगवान के पास चलूँगा, उनका दर्शन करूँगा। और सारे लोग उनके साथ दर्शन के लिए चल दिए। भगवान के भजन के बिना कोई सुखी हो सकता है, ये बिल्कुल झूठ है। हो सकता है ऐसी सब बातें, आप संसार के जितने भी झूठ हैं वो एक बार सत्य हो भी सकते हैं, पर भगवान के भजन के बिना कोई सुखी रहे
ये बिल्कुल गलत है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। स्वामी राम तीर्थ की एक बात याद आती है, कहा करते थे कि कहीं हम ही से गलती हो गई क्या, कि ये मेरी नजर का कुसूर था, ये मेरी नजर का कुसूर था, कि हिजाब जलवे की है खता, कोई एक किरण को तरस गया, कोई चांदनी में नहा लिया, मुझे अपना मान न मान तू, मैंने अपना तुझको बना लिया, तेरे पास बैठ के दो घड़ी तुझे हाल दिल है सुना लिया। उत्तर दिसी सुंदर गिर नीला, उत्तर दिसी सुंदर गिर नीला, तहारा काग बसुंडे सुशीला, तहारा काग बसुंडे सुशीला, राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना, ज्ञानी गुण ग्रह बहु हे हरि राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, हे हरि राम 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 सीता राम 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 भगीरथ भैया ने कहा आप अच्छा गाते हैं, आप तैयारी करिए। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हे हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हे हरे रामा राम राम हे हरे
सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम 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 सीता बीस बास एक राम नाम को बीस बास एक राम नाम को मानत नहीं परती अनत मानत नहीं परती अनत ऐसोई सुभाव मन बाम को ऐसोई सुभाव मन बाम को बीस बास एक राम नाम को बीस बास एक राम नाम को तुलसीदास जी महाराज पूरी रामचरितमानस रा और म से समन्वित पूरी राम कथा है। एक भी चौपाई ऐसी नहीं है, कुछ चौपाइयां हैं अपवाद स्वरूप। स्वामी राजेश्वरन जी महाराज पूज्य ब्रह्मलीन विनोद के भाव में सुनाया करते थे वो कि एक आदमी उनके पास गया और जाकर के कहा कि महाराज आप कहते हैं हर चौपाई में राम नाम है, लेकिन एक चौपाई मुझको पता है जिसमें राम नाम नहीं है। कौन सी चौपाई? कि झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना झूठ ही भोजन झूठ चबेना झूठ ही लेना झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना। एक बार कुछ माताएं एक महात्मा के पास गईं और बोली महात्मा जी हम माताएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। महात्मा बोले श्री तुलसीदास जी यह नहीं लिखते कि पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, वे तो यह कहते हैं कि जो यह पढ़े, अरे जो भी पढ़ेगा शंकर भगवान साक्षी दे रहे हैं कि उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। और प्रमाण कितना सुंदर दिया, साखी गौरी सा, गौरीपति भगवान शिव इस बात के साक्षी हैं, और अगर भगवान शंकर साक्षी दे रहे हैं तो बात झूठ हो ही नहीं सकती। क्यों झूठ नहीं हो सकती? रामचरितमानस का उद्देश्य है, भगवान प्रभु ने अपने कर्तव्य के माध्यम से लोगों को दिखाया कि व्यक्ति का सबसे प्रथम कर्तव्य है दिनचर्या, रोज होते हैं, रोज नहाना खाना सारी काम होती है, लेकिन एक परमात्मा प्रभु का प्रथम काम है प्रातः काल उठ के रघुनाथा पम गम पधनि सनि द पम गरि सा
पात काल बूठ गम पदानी सा सनी धपम गरसा प्रात काल बूठ के रघुनाथ। अच्छा ये बताइए प्रभु कि कमल कहाँ खिलते हैं? प्रभु ने कहा कमल तो तालाब में खिलते हैं। मालियों ने कहा यही तो सबसे बड़ी समस्या है सरकार, कि आज तक हमारे बगीचे के भंवरों ने तालाब में खिला हुआ कमल तो देखा पर चलता फिरता कमल नहीं देखा, और यहाँ तो ऊपर से लेके नीचे तक कमल ही कमल है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज मुख कमल नेत्र कमल हाथ कमल चरण कमल ऊपर से लेके नीचे तक कमल ही कमल है। हाँ कमल तो देखे हैं पर कमल में कमल, एक तो मुख कमल ऊपर से दो दो नेत्र कमल। कई भौरों की बुद्धि खराब हो गई तो भौरे क्या करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मा नुशतन पावा असुर दूर लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य के बाद ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है बापू, वो भी गोस्वामी जी ने लिखा कि कबहू करी अकरुणा नर देही। कभी कभी परमात्मा की जीव पे अकारण कृपा हो जाती है तब ये शरीर प्राप्त होता है, और वो भी शरीर प्राप्त हुआ तो कहाँ हुआ? भारत भूमि पर हुआ, जिसके लिए कहा गया है कि सुदुर्लभ भारत जन्म। भारत में जन्म लेना बड़े भाग्य की बात होती है, और भारत माता के गोद में जन्म लेना ये परम सौभाग्य की बात है, और भारत माता की गोद में हमेशा एक न एक सपूत पैदा हुआ करते हैं। तिलक लगा दिए भेष पहन लिए संत बन गए, कहा नहीं धर्म सीले ज्ञानी गुणवंता। धर्म है सील है ज्ञानी है, और जहाँ धर्म सील ज्ञान होता है वहाँ भक्ति का अपने आप प्रागट होता है, और जहाँ भक्ति का प्रागट होता है वहाँ ज्ञान और वैराग अपने आप चले जाते हैं। पर ख्याल रखना जहाँ ज्ञान और वैराग नहीं रहते वहाँ भक्ति का अपहरण हो जाता है। ज्ञान वैराग सीता से दूर भय और सीता का अपहरण हो गया, इसलिए उसे भक्ति को बचाने के लिए ज्ञान और वैराग का आवश्यकता है। यहाँ सब जनक जी के दरबार में, मुझे तो लगता है कि मैं जनक जी के दरबार में बैठे हैं। और जब कौआ गीत शुरू किया तो मधुर वचन बोले तब का, यहाँ बोलने के बाद कौआ भी कोयल से महान हो गया, रामायण का काकभुसुंडी हो गया, वही कौआ है। तीर हम लोगों जैसे छोटे कथाकारों को आपकी बापू जो कृपा है वो बड़ी महान है। मैं बोलूंगा तो बहुत बोल जाऊंगा, सबको प्रणाम, जय सिया राम। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में रुद्राष्टाध्यायी आती है, और रुद्राष्टाध्यायी का मंत्र है हाँ हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय अजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। क्या हो रहा है ये? हम लोग तुलसी जन्मोत्सव में बैठकर आज के संसारियों की भांति कुछ करते, लेकिन ये हो क्या रहा है? ये महजन पधारे हैं, क्या हो रहा है? संसार के सारे संसारियों दृष्टिपात करो भगवान शंकराचार्य के गृह में, क्या हो रहा है? तुलसी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करना, बड़े भाग मानुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथनी, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा कि जैसी लोगों का स्वभाव होता है कि हमने तो पहले ही कहा था, ये जो हमने पहले ही कहा था ये आज का ही स्वर नहीं है, हम जो कहा ये कब नहीं हुई। जनता का
मन बदलता रहता है, मौसम की तरह बदलता रहता है। मारहीं चरण करहीं बहु हासी, हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं तो उनके प्रहार कर रहे हैं वहाँ के राक्षस, मारे चरण करें बहु हासी, लेकिन जब लंका जला दी तब क्या कहते, हम जो कहा ये कपने हुई, बानर रूप धरे सुर कोई, कब कहा था, किससे कहा था, कुछ पता नहीं, लेकिन इसी को कहते हैं जनमत, कब लात मारे कब माला पहना लिए, इसी को जनमत कहते हैं, कब लात मारे कब माला पहना दे, उसी को जन मत कहते हैं। लेकिन ये मत जो है किसी श्रद्धा से जब जुड़ जाता है, अपने श्रद्धे के प्रति जब केंद्रित हो जाता है तो मत बदलने वालों की चिंता नहीं करता है। पहले कह रहे थे बाद में कहते रहेंगे, हम तो बीच में रहेंगे, पहले कह रहे थे बाद में कहते रहेंगे, इनका काम कहना है। बीस बास एक राम नाम को, बीस बास एक राम नाम को, मानत नहीं परती अनत, मानत नहीं परती अनत, ऐसोई सुभाव मन बाम को। सरल होना, सहज होना, ये तो सामान्य है। सरलता की कई व्याख्याएं पूर्व वक्ताओं ने की है, लेकिन श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस में जो सरलता की व्याख्या, जो दर्शन कराया, गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। खाली सरल हो, हाथी जोड़ता रहे हमारे जैसे, तो साय तो दर्शन ही नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं गरीब होर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराज। सक्षम भी होना चाहिए, जिसके कुछ है नहीं वो तो सरल ही है, कुछ है नहीं, महाराज हम तो बड़े आपके हैं सबल। ऐसे साहिब का दर्शन हो जाए जो सबल हो, जिस वृक्ष में फल लगते हैं दर्शनी वही होता है, शेष तो बहुत सारे लगे रहते हैं। लेकिन यदि बाबू का कुछ परिचय करना है सतुआ बाबा, तो रामायण की प्रत्येक चौपाई का अभ्यास करने पड़ेगा। रामायण की प्रत्येक चौपाई का अभ्यास करने के बाद कुछ कुछ समझ में आ जाएगा कि बापू क्या है। कोई तपस्वी ऋषि संत यदि बापू को पहचान सके तो वो उसको मैं प्रणाम करूंगा, क्योंकि जीवनी त्रेता युग की है। बापू की जो जीवन शैली है वो त्रेता युग हमने देखा नहीं, लेकिन त्रेता युग में लोग कैसे रहते होंगे ये पता लगता है पूज्य बापू का दर्शन करके। तो जीवनी जिसकी जीवन शैली जिनकी त्रेता युग की है, तो उस त्रेता युग की जीवन शैली को हम कलयुग कैसे जान पाएंगे। यदि हम अपने जीवन में, जीवन के केंद्र में सद्गुरु को रखें और सद्गुरु देव के दिए हुए मंत्र को रखें, तो हम कभी भी कहीं भी अटक भटक नहीं सकते।
संत का एक दूसरा भी अर्थ है, संत संत तो संत है, जो हम समझते हैं सब वही तो है, लेकिन संत माने संत परीक्ष अन्य तद भजन्ते सत असत व्यक्ति हेतवः। संत परीक्षा करते हैं, कालिदास का वर्ड है, शब्द है। संत परीक्ष्य परीक्षा करके अन्य तरह जो उसके सामने विकल्प होते हैं उसमें से एक का चयन करके वो कर देते। ऐसे संत यहाँ बैठे हैं। भगवान के प्रति विशुद्ध स्वार्थ रहित जो स्मरण है, जो प्रेम है, उस प्रेम का नाम भक्ति है। और भक्ति के सिद्धांत को पुष्ट करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान के चरणों में भक्ति हो तो भागवत ग्रंथ समझ में आ जाता है। भक्त्या भागवतम शास्त्रम, अगर भक्ति है तो भागवत शास्त्र को आप हृदयंगम कर लेंगे। और महाभारत को कहते हैं भक्त्या युक्त्या च भारतम, भक्ति भी हो और भक्ति के साथ साथ युक्ति हो, तर्क बल हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, तर्क शक्ति हो, तब आप महाभारत के तथ्यों को हृदयंगम कर पाएंगे। भक्त्या युक्त्या च भारतम। और वाल्मीकि के विषय में कहते हैं भक्त्या युक्त्या च वित्पत्त्या भाति रामायणम पर्व, भक्ति भी हो, युक्ति भी हो और वित्पत्ति भी हो। वित्पत्ति माने शब्द का ज्ञान, शब्द की उत्पत्ति वित्पत्ति समीक्षा करने का सामर्थ्य। भक्त्या युक्त्या च वित्पत्त्या भाति रामायणम पर्व, ऐसा अद्भुत काव्य रामायण काव्य। हमारे एक सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और जिसका नाम है रामानंद, रामवत्ता आनंद, और जिस सरनेम है सागर, वो राम जो आनंद का सागर है, जिसको उन्होंने विश्व भर में प्रत्येक भारतीय के हृदय में मन में पहुंचाया, रामानंद सागर जी के सुपुत्र श्री प्रेम सागर जी अवार्ड स्वीकार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बापू, आपको सूत्रमाला अर्पण करके आपका सम्मान करेंगे। और बापू, पूज्य प्रेम सागर जी का एक अनुग्रह है। पहली रामायण जो मेरे छोटी सी बुद्धि में जो ज्ञान पापा जी ने डाला है, पहली बार रामायण की इस सृष्टि में रचना तो नहीं, मैं कहता हूँ पहली बार जो अवेयरनेस, जब पहली बार रामायण पता चला, वो शिव भगवान जी ने पार्वती जी को सुनाई। वहाँ पे काकभुशुंडी जी बैठे हुए थे और काकभुशुंडी जी पंछी सभा में ले गए, करते करते वाल्मीकि, वही चंद्रमौली जो पैदा हुए थे ऐसे चंद्रमौली, वो जो आत्मा भेजी गई थी माध्यम बन के रामायण को फिर से इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में लिखने के लिए, आज के युद्ध के लिए, आज की युवा के लिए, आज की पीढ़ी के लिए, आज के 100 साल तक हमारी जो सनातन के जो गुण हैं उनको रिवाइव करने के लिए, जो सनातन धर्म फिर से जो फेड आउट हो रहा था उसको फिर से जागृत करने के लिए रामानंद सागर को इस धरती पे भेजा गया। एंड उनका नाम संस्करण में राम आनंद रखा गया। एक व्यक्ति हमको इंदौर में मिला था, बड़े महापुरुष थे, उसका चेला मिला। हम गए सुनने को तो वो चेला बोले, हम बापू को नहीं मानते, मतलब बापू को क्या फर्क पड़ने वाला है,
बोलने वाले का क्या। बापू को क्या? अरे मुझे बता, हम हीरे को नहीं मानते, हीरे को क्या फर्क पड़ने वाला है बोलो। जो फर्क पड़ेगा, हीरे को न पहचानने वाले को फर्क पड़ेगा। हीरे से वंचित तुम रह जाओगे, हीरे के लाभ से तुम वंचित रह जाओगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। बापू मैं आपसे कहता हूं कि आप न कोई महापुरुष हो, न कोई बुद्ध पुरुष हो, लेकिन एक सत्य है जिसको सारे कबूल करेंगे, अद्भुत पुरुष हो और विलक्षण पुरुष हो, जिसने बच्चा बच्चा भी जानता है बापू इस शब्द को। जब बापू और मानस विलग नहीं हो सकते, जो पे तुलसी न गाओ तो नहीं कहेंगे हम, जो पे तुलसी न लिखतो तो बापू न गाओ तो, और बापू न गाओ तो हम सब भी न यहां आवतो। तुलसी ही बहुत भलो लागत है। सबसे पहले तुलसी जन्मदिन की आप सबको हार्दिक बधाई हो। श्री वेद प्रकाश मिश्र वाराणसी, उनका लिखा हुआ संपूर्ण श्री हनुमानाष्टक एवं श्री राम कथा स्तोत्र, जिनका पूज्य बापू लोकार्पण करेंगे। तुलसी ही बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को, जग जीवन राम गुलाम को, विश्वास एक राम नाम को। सबसे पहले वाल्मीकि अवार्ड, जिनको हमने कल सुना, महाराज श्री की प्रतिभा का परिचय उनके शब्दों द्वारा, वक्तव्य द्वारा हम सबको मिल गया है। श्रीमद् जगद्गुरु पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, अयोध्या। वाल्मीकि अवार्ड, श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, अयोध्या। स्वांतः सुखाय साधना और सेवा के लिए आपको वाल्मीकि अवार्ड अर्पण करके हम आनंद और गौरव का अनुभव करते हैं। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। तुलसी जयंती श्रावण शुक्ल सप्तमी 4 अगस्त 2022 गुरुवार, प्रणाम जय सियाराम, चित्रकूट धाम, तलगाजरड़ा, गुजरात, भारत, मुरारीबाग।
दूसरा वाल्मीकि अवार्ड प्रोफेसर डॉक्टर श्री विजय शंकर देवशंकर दयाशंकर पंड्या अहमदाबाद। इसमें पिता और दादाजी का दोनों को नाम इन्होंने समाविष्ट किया है। दादाजी ने इनको वाल्मीकि रामायण के प्रति प्रेरित किया है, इसलिए दादाजी का स्मरण उन्होंने इसमें रखा है। गुजरात यूनिवर्सिटी के वो जाने माने अध्यापक प्रोफेसर रहे हैं। राम वाल्मीकि अवार्ड श्री विजय शंकर देवशंकर दयाशंकर पंड्या अहमदाबाद। स्वांतः सुखाय साधना और सेवा के लिए आपको वाल्मीकि अवार्ड अर्पण करके हम आनंद और गौरव का अनुभव करते हैं। व्यास आदि कवि पुंग बनाना जिन सादर हरि सुजस पखाना मुरारी बाबू। रामानंद सागर जी के सुपुत्र को सुना। वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर फिर हमारी कई प्रादेशिक रामायणों से प्रसंगों को चुनकर विशेषकर मानस को केंद्र में रखकर रामायण सीरियल बनी और ऐतिहासिक घटना जिनको हम कह सकते हैं कि न केवल भारत में विश्व के कई देशों में इनके प्रसारण के समय मानो सब कुछ थम जाता था, तो ऐसे ये रामायण के प्रति जिन्होंने सेवा की है श्री रामानंद सागर जी को अवार्ड अर्पण किया जाता है और ये स्वीकार करेंगे इनके सुपुत्र श्री प्रेम सागर जी। बिनती सुनिए नाथ सुनिए नाथ हमारी हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी। एक बात इसमें और कह दूं कि रामायण के बाद फिर हमारे देश में एक ऐसी सीरियल आई जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं और उसमें भी ऐसा हुआ कि सारे देश और विश्व के लोग इनके प्रसारण के समय टीवी के सामने बैठ जाते थे। बीआर चोपड़ा जी को भी व्यास अवार्ड दिया जाना है अभी और उनकी प्रतिनिधि श्रीमती प्रीतिबेन वखारिया यहाँ पर उपस्थित है। तो प्रीतिबेन राम नामी अर्पण करेगी। मोर मुकुट पीतांबर धारी विनती सुनिए नाथ हमारी। राम वाल्मीकि अवार्ड श्री रामानंद सागर
स्वांतः सुखाय साधना और सेवा के लिए आपको वाल्मीकि अवार्ड अर्पण करके हम आनंद और गौरव का अनुभव करते हैं। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। मुरारी बापू। अवार्ड श्री बी आर चोपड़ा, मुंबई। चोपड़ा जी के सुपुत्र विदेश होने से उनकी बेटियों के साथ बात हुई और बेटियों के द्वारा ये अवार्ड स्वीकारा जा रहा है। और इनकी प्रतिनिधि श्रीमती प्रीतिबेन बखारिया बी आर चोपड़ा की ओर से अवार्ड का स्वीकार करेंगी। श्री कृष्ण मुरारी, बिनती सुनी राम व्यास अवार्ड श्री बी आर चोपड़ा, स्वांतः सुखाय साधना और सेवा के लिए आपको व्यास अवार्ड अर्पण करके हम आनंद और गौरव का अनुभव करते हैं। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। मुरारी बापू। प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, देश से ही जो आते हैं और देश में और विश्व में भागवत कथा से जो अतीव सुप्रसिद्ध है, ऐसे भागवताचार्य पूज्य श्री शरद भाई व्यास धर्मपुर, व्यास अवार्ड। राम व्यास अवार्ड भागवताचार्य पूज्य श्री शरद भाई व्यास धर्मपुर,
स्वांतस सुखाय साधना और सेवा के लिए आपको व्यास अवार्ड अर्पण करके हम आनंद और गौरव का अनुभव करते हैं। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना मुरारी बापू। अवार्ड श्री हरिदासीय वैष्णव सखी संप्रदायाचार्य आचार्य गोस्वामी श्री मृदुल कृष्ण जी महाराज वृंदावन, जिनके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है पंडित उमाशंकर जी शुक्ल वृंदावन, वो अवार्ड का स्वीकार करेंगे। महाराज जी इस वक्त अमेरिका में कथा यात्रा पर है। जय सियाराम। व्यास अवार्ड श्री हरिदासीय वैष्णव सखी संप्रदायाचार्य आचार्य गोस्वामी श्री मृदुल कृष्ण जी महाराज वृंदावन, स्वांतः सुखाय साधना और सेवा के लिए आपको व्यास अवार्ड अर्पण करके हम आनंद और गौरव का अनुभव करते हैं। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना मुरारी बापू। परम पूज्य रणछोड़ दास जी महाराज, जिनकी अनन्य सेवा करके कृपा पात्र बनी, बापू की कई कथाओं को सुनकर मानस प्रेम निरंतर बढ़ता गया, यहाँ तक कि आखिर रमाबेन खुद राम कथा करने लगी और ये राम कथा के माध्यम से समाज में सेवा भी कर रही है। ऐसी सुश्री रमाबेन हरियाणी जयपुर।
राम तुलसी अवार्ड, सुश्री रमाबेन हरियाणी, रामचरित मानस की स्वांत सुखाय साधना और सेवा के लिए आपको तुलसी अवार्ड अर्पण करके हम आनंद और गौरव का अनुभव करते हैं। जे गावहीं यह चरित संहारे, तेई यही ताल चतुर रखवारे। तुलसी जयंती श्रावण शुक्ल सप्तमी 4 अगस्त 2022 गुरुवार, प्रणाम जय सिया राम, चित्रकूट धाम तलगाजरड़ा गुजरात भारत, मुरारी बाबू। अवार्ड श्री मुरलीदास गुरु श्री नारायण दास जी श्री वैष्णव बैरागी ओमकारेश्वर को तुलसी अवार्ड अर्पण किया जाएगा। तुलसी अवार्ड श्री मुरलीदास गुरु श्री नारायण दास श्री वैष्णव बैरागी ओंकारेश्वर, रामचरित मानस की स्वांत सुखाय साधना और सेवा के लिए आपको तुलसी अवार्ड अर्पण करके हम आनंद और गौरव का अनुभव करते हैं। जे गावहीं यह चरित संभारे, तेई यही ताल चतुर रखवारे। मुरारी बाबू। तुलसी अवार्ड जिनको कल हम सब ने सुना है, स्वभाव प्रकृति व्यक्तित्व की भी ऊंचाई है। ऐसे महंत श्री राम हृदय दास जी चित्रकूट धाम। Thank you.
राम तुलसी अवार्ड महंत श्री राम हृदयदास जी चित्रकूट धाम सतना MP रामचरित मानस की स्वंत सुखाय साधना और सेवा के लिए आपको तुलसी अवार्ड अर्पण करके हम आनंद और गौरव का अनुभव करते हैं। जे गावही यह चरित संहारे तेई यही ताल चतुर रखवारे। मुरारी बापू। अवार्ड तो एक बहाना है, कैसे भी भगवान शिव के अभिषेक के ये दिन चल रहे हैं, कोई न कोई बहाना बनाकर इन दिनों में हमें महत्पादों का अभिषेक करना था। मानस की कथा में अथवा तो भगवत चरित्र में कृष्ण कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, दुर्गा की कथा हो, कोई भी कथा हो, कथाएं तो है, लेकिन एक पांच विधा का ध्यान रखना, पांच वस्तु का ध्यान रख कोशिश कर रहा हूं उसके अनुग्रह से और आपके आशीर्वाद से और मेरे श्रोताओं की शुभकामना से। कहां तक सफल रहूं मुझे खबर नहीं, लेकिन कोशिश मेरी पूरी जागृति पूर्वक की कोशिश पांच। और मैं मेरे कथा जगत को भी विनय के रूप में कहूँ कि हम सब यदि इसका ध्यान, महापुरुष तो रखते ही हैं लेकिन हम जैसे भी उसका ध्यान रखें। पांच विधा है, वैसे तो कई विधा है, एकम सद को प्रस्तुत करने के लिए हर एंगल से देखा जाता है, ये जो हमारा न्याय है, लेकिन पांच वस्तु, एक कथन भगवान, दूसरा श्रवण, तीसरा स्मरण, चौथा गायन और पांचवा अनुमोदन। ये पांचों चीज मानस की है। साधु का संग जे करके कथा कहेगा वो कभी उपेक्षा नहीं करेगा, समन्वय करेगा, क्योंकि साधु अदेखा नहीं होता, साधु अत्री होता है। असूया उसकी धर्मपत्नी नहीं है, अनुसूया है।